Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Nandita, you all are watching Nandita's Malay channel. दोस्तों आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. दोस्तों आप देख ही सकते हैं मॉर्निंग का आवर है और कितना ब्यूटीफुल जगह मैं हूँ. मैं अपने वेकेशन में आई हुई थी तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि मैं, मेरा एक रिचुअल्स है कि मैं कहीं भी जाऊँ मैं अपना अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट ज़रूर करती हूँ. तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग योगा प्रैक्टिस, कि सुबह सुबह आप कैसे योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वर्कआउट जो है, ये योगा आप फॉलो कर सकते हैं. पॉजिटिव एफर्मेशन से हम अपने लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं. आपके सोच आपके जीवन को बदल सकती है. तो चलिए आज कुछ पॉजिटिव हेल्थ एफर्मेशन हम ट्राई करते हैं. सबसे पहले आपको शांत बैठना है और लंबी लंबी गहरी सांसें लेना है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में अगर श्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करना है, सांस इन एंड आउट करना है और उसके बाद बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है. ध्यान रहे आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे योगा हो, वॉक हो, जुम्बा हो, कार्डियो, कुछ भी, आपको रेगुलर ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है. तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे और जो भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ उसको आप 10-20 टाइम्स आराम से रिपीट कर सकते हैं. मैं स्वस्थ हूँ. अपने आप से बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ. मैं स्वस्थ हूँ. मेरे शरीर के हर एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. मेरे शरीर के हर एक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. मेरे पांचों इंद्रियों को शुक्रिया. मेरे पांचों इंद्रियों को शुक्रिया. मैं अपने सुंदर शरीर के लिए थैंकफुल हूँ. मैं अपने सुंदर शरीर के लिए थैंकफुल हूँ. मैं बहुत ऊर्जावान हूँ. मैं बहुत ऊर्जावान हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. मैं खुद को हील कर रही हूँ. मैं खुद को हील कर रही हूँ. मैं बहुत शक्तिशाली हूँ. मैं बहुत शक्तिशाली हूँ. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ. मैं खुश हूँ. मुझे मेरी आइडियल बॉडी वेट मिल गया है. मैं खुश हूँ. मुझे मेरी आइडियल बॉडी वेट मिल गया है. मैं अपने शरीर का बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ. मैं अपने शरीर का बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ. मैं अपने आप की तुलना किसी और से नहीं करती. मैं अपने आप की तुलना किसी और से नहीं करती. मैं अपने योगा अभ्यास से बहुत खुश हूँ. मैं अपने योगा अभ्यास से बहुत खुश हूँ. रेगुलर योगा प्रैक्टिस से मेरे अंदर
एक बहुत अच्छा एनर्जी और पॉजिटिविटी आता है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए। मेरे पास जो भी कुछ है, जो भी आपसे मिला है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। नाउ फील योर ब्रीदिंग। आप जो सांस ले रहे हैं उसको अच्छे से फील कीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड आउट। श्वास अंदर लीजिए और बाहर की तरफ छोड़िए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड आउट एंड रिलैक्स योर बॉडी। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड आउट। बहुत अच्छे तरीके से श्वास लीजिए और छोड़िए। फील कीजिए आपके फोरहेड को, फील कीजिए आपके आईज को। आपके पास इतना ब्यूटीफुल आईज है, उसको फील कीजिए। फील कीजिए आपके नोज को, योर ईयर्स, आपके होंठ को फील कीजिए। ब्यूटीफुल हैंड, स्ट्रेच कीजिए अपने हाथों को, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच कीजिए। फील कीजिए आपके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को और बॉडी को रिलैक्स कीजिए। हम सभी को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए सभी को, क्योंकि आजकल के जो बिजी शेड्यूल है, सबको पतला होना है, सबको फिट रहना है, बट ऐसे तो होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ अपने आप के लिए टाइम निकालना होगा। सब बिजी है अपने काम में, बट इतना बिजी शेड्यूल में भी दिन भर में अपने आप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। मैंने मेरे लाइफ में बहुत पहले ही बचपन से ही अडॉप्ट किया था कि मैं जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, सुबह जल्दी उठना। जब मैं स्कूल में थी तब से ही मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया था, तो आज तक मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं रात को कितना भी लेट सोऊं, लेकिन मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ये जो अर्ली मॉर्निंग उठने की जो आदत है, इसको मैं बहुत पहले ही अडॉप्ट कर चुकी हूँ और मैं ये इन्जॉय करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठने से ना मेरा पूरा दिन सेट हो जाता है, मैं बहुत काम एक साथ जल्दी कर सकती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बाहर आई हूँ, हॉलीडे में आई हूँ, फिर भी मैं जल्दी उठ के सुबह सुबह मेरा जो वर्कआउट है उसको मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, ताकि पूरा दिन मुझे ऐसा फील ना हो कि अरे मैंने वर्कआउट नहीं किया, अरे मेरा शेड्यूल चेंज कर दिया। तो अपने आप के साथ ना थोड़ा चैलेंज लीजिए, अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने आपके लाइफ में कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जो बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं और अभी भी आप कर रहे हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपका बॉडी बहुत ही अंदर से एनर्जेटिक फील करता है। आपके बॉडी के हर एक पार्ट को यह स्ट्रेच करता है और आपको एक आइडियल वेट देने में हेल्प करता है। आपके बॉडी में कोई भी किसी भी तरह की बीमारी से आपको ये दूर रखता है, जैसे कि डायबिटिक हो गया, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गए, कैंसर हो गए, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसमें योगा ने सक्सेस हासिल किया है और बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छे से नई ज़िंदगी दिया है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपके स्किन में बहुत इफ़ेक्ट आता है, आपका स्किन नेचुरली बहुत सुंदर ग्लो करता है। आपके योगा प्रैक्टिस से आपका जो हेयर है वो भी बहुत मजबूत होते हैं और आपको हर तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ हेल्दी हैबिट्स ज़रूर आप अडॉप्ट कीजिए। वो कोई भी वर्कआउट फॉर्म में हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे, बट अपने आप के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन भर में आप कितना कुछ काम करते हैं, बट अपने लिए क्या करते हैं? तो इसीलिए अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, अपने लिए भी जिए।
अगर आप ये योगा अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मैंने अभी योगा किया है, आपको अगर अच्छा लगा है, आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं, न्यू है चैनल में, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो मैं नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा और मेरे दिए गए कोई भी वर्कआउट फॉर्म रेसिपीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, ट्राई करते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।